बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम क्रम, पानी पीने से कब्र, एक दाना दालचीनी का खाने से ज़िंदगी भर गुर्दे फैल नहीं होते हैं। नहाने से पहले काला नमक चख लिया करो, बुढ़ापा देर से आएगी। गर्मियों में बंद जूतों का इस्तेमाल नज़र की कमज़ोरी का बायस बनता है। ऊँट के गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। बालों को धोने से पहले बालों पर हल्के गुलाब लगाया करो, 90 साल तक बाल मजबूत रहेंगे। काजू खाने से अकुन में इजाफा होता है। दही खाने से चंद तरोताज़ा रहता है। शहद और दूध मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। सूखा धनिया चबाने से खांसी रुक जाता है। अंगूर खाने से बलगम खत्मा होता है। जैतून का तेल अगर नाव में डाला जाए तो चंद चमकदार हो जाएगा, इससे नज़र तेज़ हो जाएगी और मोटापा कम हो जाएगा। आंखों की बेनाई तेज़ करना चाहते हो तो सूंघ का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को देख कर पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। अगर सुनाई कम देता हो तो जैतून का तेल कानों में डालो, कान बिजली जैसे तेज़ हो जाएंगे। लोबिया के दाने खाने से नज़र तेज़ होती है। 1 गिलास पानी में सूंघ के तेल के 5 कतरे शामिल करने से मोटापा चंद दिनों में नज़र भी नहीं आएगा। पानी पीकर पेशाब करने से मसाना कवी होगा। रात को सोने से पहले कब्र एक खूह में सुरमा डालना सुन्नत है, इससे आंखें ठीक रहते हैं। आबे जमजम को देखने से नज़र तेज़ होती है। मुस्तकबिल इन लोगों का है जो अपने ख्वाबों को खूबसूरती पर यकीन रखते हैं और इन्हें हकीकत बनाने के लिए इन तक मेहनत करते हैं। कोशिश शिवा करने वालों की कभी नाकाम नहीं होते हैं। अगर जैतून और नारियल का तेल मिक्स करके नीम गर्म करके कानों की मालिश किया जाए तो कम सुनाई देने का मसला ख़त्म हो जाएगा। खामोशी एक सहारा है जहाँ दिन की बात होती है। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाने से खांसी और पुरानी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। कानों और आँखों में अगर बादाम का तेल डाला जाए तो कान और आँख ठीक हो जाते हैं। गीले कपड़े पहने रखने से ख़ारिश की बीमारी पैदा हो सकती है। घर में कुत्ता पालोगे तो रिज़्क में कमी होगा। रोज़ाना सोने से कबल बकरी के दूध में सूंड डालकर पी लिया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। रोज़ 1 गाजर खा लेने से खून पैदा होता है। अगर खाने के दौरान आप 3 घूंट पानी पी लें तो आँखों में हीरे जैसे चमक आ जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।